चंपई सोरेन ने 2 फरवरी को झारखंड की कमान संभाल ली। कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों के साथ चंपई सोरेन ने झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में पद की शपथ ली। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद झारखंड के अगले मुख्यमंत्री हो गए हैं चंपई सोरेन। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे, सरकार बनने के बाद भी चंपई सोरेन को सरकार गिरने का डर क्यों है, कौन है चंपई सोरेन। दरअसल हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दल के नेता चंपई सोरेन ने शुक्रवार को झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के आलमगीर आलम और आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता ने भी मंत्री के रूप में शपथ ली। चंपई सोरेन को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने गुरुवार को मुख्यमंत्री मनोनीत किया था। इससे पहले चंपई सोरेन ने शिबू सोरेन से मुलाकात की। इसके बाद चंपई ने कहा, गुरुजी हमारे आदर्श हैं। शपथ लेने से पहले हम गुरुजी और माताजी यानी रूपी सोरेन से आशीर्वाद लेने आए थे। मैं झारखंड आंदोलन से जुड़ा था और मैं उनका शिष्य हूं। काफी उठापटक के बाद झारखंड में चंपई सोरेन की सरकार तो बन गई, लेकिन 10 दिनों के भीतर विधानसभा में चंपई सोरेन को बहुमत का आंकड़ा छूना होगा, जिसको लेकर राज्यपाल ने एक नोटिस जारी कर दिया है। यानी कि झारखंड की सियासी तस्वीर अभी भी साफ नहीं है। ना किसी विधायक को हैदराबाद ले जाने की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी तरह की जोड़ तोड़ होगी। अब सिर्फ 10 दिन के भीतर फ्लोर टेस्ट होगा, फिर सरकार आधिकारिक तौर पर चंपई सोरेन की बन जाएगी। आपको बता दें, बुधवार को देर रात हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया था। जमीन घोटाले में उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। आरोप था सेना की एक जमीन को लेकर बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है और उसके तार सीधे हेमंत सोरेन से जुड़े हैं। वैसे जिस चंपई सोरेन को अब राज्य की कमान सौंपी गई है, वो कोई हेमंत परिवार से ताल्लुक भी नहीं रखते। ये बात सच है कि उनका सरनेम भी सोरेन है, लेकिन उनका नाता पूर्व सीएम परिवार से नहीं है। चंपई सोरेन को झारखंड के टाइगर के नाम से जाना जाता है। चंपई झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के विधायक हैं। 2005 से लगातार सरायकेला से चुनाव जीत रहे हैं। पिछली सरकार में उनके पास परिवहन के साथ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग जैसे अहम विभाग मौजूद थे। अब जान लीजिए कौन है चंपई सोरेन। चंपई सोरेन झारखंड विधानसभा के सदस्य हैं। वर्तमान में वो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से सरायकेला विधानसभा सीट से विधायक हैं। कैबिनेट मंत्री के रूप में वो हेमंत सोरेन सरकार में परिवहन, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। चंपई ने 1974 में जमशेदपुर स्थित रामकृष्ण मिशन हाई स्कूल से 10वीं की पढ़ाई की। झारखंड टाइगर के नाम से उन्हें जाना जाता है। जब बिहार से अलग झारखंड राज्य की मांग उठी, तब उस दौरान चंपई का नाम चर्चा में रहा। शिबू सोरेन के साथ ही चंपई ने भी झारखंड के आंदोलन में हिस्सा लिया। इसके बाद ही लोग उन्हें झारखंड टाइगर के नाम से बुलाने लगे। 2005 में भी चंपई पहली बार विधायक बने। चंपई संयुक्त बिहार में 1991 में उपचुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने थे। केसी मार्डी के इस्तीफे के बाद चंपई ने बतौर निर्दलीय चुनाव जीता था। 2005 में चंपई झारखंड विधानसभा के लिए चुने गए थे। इसके बाद 2009 में भी विधायक बने। उन्होंने अर्जुन मुंडा वाली सरकार में सितंबर 2010 से जनवरी 2013 तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी, श्रम और आवास मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। वहीं जुलाई 2013 से दिसंबर 2014 तक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति परिवहन कैबिनेट मंत्री थे। 2014 में फिर झारखंड विधानसभा के लिए चुने गए। वहीं 2019 में भी विधायक बने। इसके साथ ही वो हेमंत सरकार में परिवहन, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बने। 2019 में चंपई ने अपनी संपत्ति 2.55 करोड़ बताई थी। अवैध जमीन घोटाले में फंसे हेमंत सोरेन ने बुधवार को झारखंड के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। इस दौरान जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन ने सोरेन सरकार में परिवहन मंत्री चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना। अब चंपई सोरेन झारखंड के नए सीएम हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।